वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद इस क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो। आज मैं आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट और पर्सनल डायरी डेकोरेशन के दो न्यू आइडियाज लेकर आई हूँ, जिसमें एक प्रोजेक्ट डायरी और एक पर्सनल डायरी को डेकोरेट किया है मैंने। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसलिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक नोटबुक पड़ी थी, उस पर मैंने ब्लैक शीट से कवर कर लिया है। एक्चुअली मेरे पास ब्लैक शीट के कुछ टुकड़े पड़े थे, तो मैंने उसे ही जॉइंट करके लगा लिया है। अब मैं इसे ऐसे डेकोरेट करूँगी कि इसका जॉइंट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे डेकोरेट कर रही हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कूलिंग पेपर लिया है, तो ये कूलिंग पेपर से मैं जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ पर ग्लू की हेल्प से कूलिंग पेपर लगा लूँगी। आप भी इसी प्रकार से ब्लैक शीट ही लें, कि ताकि ब्लैक शीट लगाने से ज़्यादा अच्छे से दिखती है नोटबुक। तो ये देखिए, मैंने सारे जॉइंट कवर कर लिए हैं, कहीं से भी लग नहीं रहा है कि मैंने इसे जॉइंट करके कवर चढ़ाया था। तो अब कूलिंग पेपर टूल से मैं कुछ कूलिंग पेपर से पत्तियाँ और फ्लावर की जो कली होती है वो बनाऊंगी। इसी प्रकार से हल्का सा उसे खोलकर फिर ग्लू की हेल्प से चिपका देना है। ऐसे ही सेम दो पत्तियों के लिए और एक कली जो होती है उसके लिए बना लिया। अब उसे हल्का सा नीचे से पकड़ के रखकर एक पत्ती का शेप देना है। सेम तीनों इसमें सेम शेप देने हैं। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे फेविकोल से चिपका दूंगी। दोनों पत्तियों को आपस में चिपका दें, और उसी के ऊपर ये जो रेड कलर पिंक कलर का जो मैंने बनाया है कली, उसे भी चिपका दूंगी। आपके पास जो भी कलर का कूलिंग पेपर हो आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं, और अगर ना हो तो क्राफ्ट पेपर या कलर पेपर हो उससे भी फ्लावर बनाकर आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इसी प्रकार से मैं इसे चार और बना लूँगी। और अब मैं एक वाइट पेपर पर एक सर्कल कट करूँगी। ये सर्कल मैं इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी एक प्रोजेक्ट नोटबुक है, तो मुझे इस पर नाम लिखना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स भरनी पड़ेगी, तो इसलिए मुझे बीच में लगाना पड़ रहा है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से आप भी अपने प्रोजेक्ट की जो नोटबुक है उसके लिए ऐसा सर्कल कट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और डिज़ाइन पसंद आए तो वो डिज़ाइन का भी पेपर कट करके लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने लगा लिया है। अब मैं इसके चारों तरफ जो हाफ पर्ल बीट्स होते हैं उससे डेकोरेट कर दूंगी दो कलर के। तो यहाँ पर मेरे पास दो कलर के हाफ पर्ल्स हैं, तो मैं उन्हीं से डेकोरेट करूंगी। आप चाहें तो इसके जगह आपके पास जो भी मतलब मोती या फिर कुछ पड़े हो, स्टार्स, स्टोन्स, स्टिकर्स, आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मेरे पास कुछ और स्टोन्स पड़े थे, मैं उससे जो खाली जगह दिख रही है वहाँ पर पेस्ट कर दूंगी सभी को। तो ये देखिए, ये मैं इसे लगा रही हूँ। इसी प्रकार से आप भी लगा दें थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो ये लग चुके हैं। अब जो आसपास के जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं उन्हें मैं वूल से डेकोरेट करूंगी। मेरे पास ग्रीन कलर का वूल है, तो इस प्रकार से फेविकोल लगा लें और उस पर
ऊन को अच्छे से चिपका दें, जितना ज़रूरत हो उतना चिपका कर बाकी कैंची से काट दें। तो ये देखिए, ये मैंने लगा लिया है। तो ये देखिए, ये हमारी प्रोजेक्ट नोटबुक तैयार हो गई है। यहाँ आप अपना नाम या कुछ भी लिख सकते हैं। और अब हम बनाएंगे सेकंड नोटबुक, सॉरी डायरी डेकोरेट करेंगे। ये मेरी पर्सनल डायरी है, आप भी ऐसे अपनी पर्सनल डायरी को डेकोरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक एक्रिलिक कलर लिया है, उससे मैं पूरी डायरी को पेंट कर दूँगी और जब ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद इसे डेकोरेट करूँगी। तो ये देखिए, ये ड्राई हो चुकी है। अब ये मेरे पास पत्रिका पड़ी थी गोल्डन कलर की, शादियों की जो आती वेडिंग कार्ड्स की, तो इसमें से मैंने 4 स्ट्रिप्स काट लिए हैं। थोड़ी मेरे पास जिगजैग सीजर थी, उससे कट कर लिया है। तो उसी से मैं बॉर्डर बना दूँगी इसकी। तो ये देखिए, मैंने फेविकोल से चिपका रखी है। अब मैं इसे डेकोरेट करूँगी। तो मैंने उसी पत्रिका में से एक सर्कल कट कर लिया था और मेरे पास कुछ एक बड़ा वाला कांच था। अगर आपके पास कांच ना हो या फिर आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप वो चीज़ लगा सकते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है हमारे घर में। तो ये रिंग जो थी, ये रिंग मैंने मेरे टॉप की थी तो कपड़े की निकली हुई थी, तो मैंने उसी को लगा लिया है। और ये कुछ स्टोन से गोल्डन कलर के, मैं ये डायरी पर पूरा गोल्डन लुक दे रही हूँ इसलिए मैं इसे गोल्डन कलर से ही डेकोरेट करूँगी। तो मेरे पास जो भी गोल्डन कलर के मटेरियल्स पड़े थे वेस्ट, मैं उसी से डेकोरेट कर रही हूँ। तो आप भी अपने घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल से डायरी डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं ये स्टोन्स लगा दूँगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के न्यू नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप मेरी वीडियो पहले से पहले देख सकें। तो ये देखिए, ये मैंने स्टोन्स बीच में तो लगा दिए, अब मैं इसके चारों कॉर्नर्स पे भी लगा दूंगी दो दो। आपके पास अगर ये ना हो तो आप मोती या फिर हाफ पर्ल्स लगा सकते हैं, और अगर ये इनमें से कुछ भी ना हो तो आप ऐसे ही कोई वेडिंग कार्ड्स जो रेड कलर की हो उससे डेकोरेट कर सकते हैं, या गोल्डन कलर के फ्लावर्स लगा कर उससे डेकोरेट कर सकते हैं। फ्लावर्स बनाकर, छोटे छोटे फ्लावर्स बना के उसे चारों कॉर्नर्स पर या फिर बीच में इसे लगा कर। तो अब ये देखिए, ये मेरी डायरी कंप्लीट हो गई है। बस मुझे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे जो स्टोन होते हैं गोल्डन कलर के वो लगा रही हूँ। ज़्यादा इसे भरूँगी नहीं, मुझे थोड़ी ऐसे ही अच्छी लग रही है। ज़्यादा वर्क कर देंगे उस पर डेकोरेशन तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा खाली ही ठीक रहेगा, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया है। तो ये देखिए, ये मेरी डायरी भी कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।